हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। वर्कशीट सॉल्व करेंगे आज की IAS कक्षा छठी की संस्कृत व्याकरण की। दिनांक है 13 सितंबर 2021। इसका अध्याय है कारक विभक्ति परिचय। टॉपिक है सामान्य परिचय। तो यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। आपको 5 प्रश्न है, छोटे छोटे संस्कृत के 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर बताऊँगी। तो देखिए यहाँ वर्कशीट के क्वेश्चन क्या है। कारक इत्यस्य परिभाषा लिखत। दूसरा है संस्कृते कति कारकाणि सन्ति तेषां नामनि अपि लिखत। थर्ड क्वेश्चन है तृतीया विभक्ति कस्मिन् कारके भवत। फोर्थ है संबंधन च संबोधनम च संस्कृत कारक भवति आम या न, इसमें हाँ या न में आंसर है। पांचवा है मेलन कुरुत, तो कारक और विभक्ति चिन्ह को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर। तो पहला है कारक की परिभाषा पूछी है। तो क्रियाया साक्षात अन्वय येन पदेन शब्देन स भवति ततः पदम कारक भवति। तो ये कारक की परिभाषा है। हिंदी में आपको कारक की परिभाषा पता है क्या लिखनी है, कि वाक्य में क्रिया का शीघ्र ही अन्वय जिस पद अथवा शब्द के साथ होता है उस पद को कारक कहते हैं। तो ये संस्कृत की परिभाषा थी और ये हिंदी में मैंने आपको बता दी है। और प्रश्न संख्या 2 देखिए, संस्कृते कति कारकाणि सन्ति तेषां नामनि अपि लिखत। तो यहाँ लिखना है संस्कृते 6 कारकाणि सन्ति, कर्ता कर्म करणम संप्रदानम आपादानम अधिकरणम। थर्ड क्वेश्चन है तृतीया विभक्ति कस्मिन् कारके भवति। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, तृतीया विभक्ति कस्मिन् कारके भवति, यहाँ लिखना है करणम। फोर्थ क्वेश्चन है संबंध च संबोधन च संस्कृते कारक भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा न, यहाँ लिखिए मैंने न लिख दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है मिलान करना है कर्ता कर्म संप्रदान और अपादान का। तो देखिए कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए और अपादान से अलग, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।